आमदीद आप सबको हमारे चैनल खुशहाल घराना में। तो आज हम बनाएंगे चिकन सीख कबाब, जिसके लिए हमें चाहिए 1 किलो चिकन कीमा। मसाले जो हैं उनमें हमें चाहिए कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, ज़ीरा और धनिया 1 चम्मच, काली मिर्च जो है यहाँ पे हमने 1/2 टीस्पून ली है, लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, 1 प्याली हमने हरा धनिया लिया है जिसको अच्छे से हमने काट लिया है, 1 इसमें लेमन जाएगा और इसके लिए हमें चाहिए हरी मिर्च 3 से 4 हरी मिर्च जिसको हमने काट लिया है, 2 अदद यहाँ पे हमारे पास प्याज है जिसको हमने बिल्कुल चॉप कर लिया है। हाँ जी, तो अब हम एक बड़े साइज़ का बाउल लेंगे और ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर देंगे। एक लेमन ऐड करेंगे इसमें, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम। हाँ जी, तो सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर ली हैं, अब हम इसको चॉपर में चॉप कर लेंगे। ये तो तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से चॉप कर लिया है, अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे। तो अब हमने इसको इस तरह से इस शेप में बना लिया है और बाकी के अब हम सारे बनाएंगे और एक साथ फ्राई करेंगे। जी, तो तैयार है मज़ेदार चिकन सीख कबाब जिसको हमने हरी चटनी के साथ सर्व किया है और साथ में ये सैलेड। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी।